हेलो 42, अभिवादन आप सभी का खांसी के इस दूसरे भाग के वीडियो एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खांसी का आयुर्वेद में क्या है उपचार, खांसी के उपचार के लिए कुछ घरेलू तरीके, खांसी में परहेज क्या करें और खांसी संबंधी आम प्रश्न। और अगर इसी विषय पर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे वहां से देख सकते हैं, जिसमें हमने बात की है खांसी क्या होती है, कितने तरीके की होती है, क्यों होती है और खांसी में किन चीजों का आपको रखना चाहिए ख्याल, खांसी का एलोपैथिक और होम्योपैथिक उपचार। तो आइए अब बात करते हैं कि आयुर्वेद में खांसी का क्या है उपचार। आयुर्वेद के अनुसार जब कफ सूखकर फेफड़ों और श्वसन अंगों पर जम जाता है तो खांसी होती है। कई तरीके हैं आयुर्वेद में जो बीपी और शुगर के मरीज भी अपना सकते हैं खांसी को ठीक करने के लिए। इसके अलावा खांसी में कई सारी चीजें करने से भी फायदा होता है, जैसे दूध में सौंठ डालकर पिएं, सौंठ डालकर गर्म पानी पिएं, गुनगुना पानी पिएं, मुलेठी चूसें, शहद किशमिश मुनक्का लें। शुगर वाले पेशेंट एक दो अंजीर पीस कर रात में भिगो दें और उसे सुबह पिएं। धूल व धुएं से अपना बचाव रखें। और आइए अब बात करते हैं कि आयुर्वेद में सूखी खांसी का उपचार कैसे किया जाता है। सूखी खांसी अगर आपको हो रही है जिसमें कफ नहीं आ रहा है तो हिमालया की सेप्टिलिन की एक गोली सुबह शाम आप 7 दिन तक ले सकते हैं। अमृतालो रस की 2 गोली सुबह व 2 गोली शाम को पानी से आप ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त सीतोपलादी चूर्ण शहद में मिलाकर 1 चम्मच चाटें और इसे बच्चों को भी खिला सकते हैं। तालिस आदि चूर्ण करीब 1/2 चम्मच पानी से दिन में 3 बार लें और यह बच्चों को भी दिया जा सकता है। चंदामृत रस की 2-2 गोलियां सुबह शाम पानी से आप ले, यह खांसी में काफी फायदेमंद होगी और मरीज जो शुगर से पीड़ित हैं और बीपी से वो भी इसको ले सकते हैं और आप बच्चों को भी दे सकते हैं। ज्यादा खांसी हो तो सेंधा नमक की एक छोटी सी डली को आग पर रखकर गर्म करें और 1 कटोरी पानी में उसे बुझा लें, फिर उसी डली को गर्म करें और पानी में बुझा लें। ऐसा 5 बार करके यह पानी दिन में 2 बार पिए और बच्चों को भी आप इसको दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त थोड़ी सी फिटकरी को तवे पर भूनें, आधी मात्रा में अभ्रक भस्म मिलाकर इसको चाटें। हींग त्रिफला मुलेठी मिश्री को नींबू के रस के साथ मिलाकर आप ले सकते हैं। त्रिफला और शहद बराबर मात्रा में लेने से भी फायदा होता है। 12 ग्राम हल्दी 24 ग्राम गुड़ और 3 ग्राम पकाई हुई फिटकरी का चूर्ण मिलाकर गोलियां बना लें। 2-2 गोलियां दिन में 2 से 3 बार चूसें। तुलसी काली मिर्च और अदरक की चाय पिएं। दिन में 2 बार गुनगुने दूध का सेवन करें। दिन में 2 से 3 बार शहद चाटें। रात को गर्म चाय या दूध के साथ 1/2 चम्मच हल्दी भी आप ले सकते हैं। खराश में कंठकारी अवहेल 1/2 चम्मच 2 बार पानी से लें। और आइए अब बात करते हैं बलगम वाली खांसी के बारे में। खांसते वक्त अगर आपकी खांसी में बलगम आ रहा है तो आप हमदर्द का जोशीना गर्म पानी में डालकर ले सकते हैं। महालक्ष्मी विलास रस की 1 गोली 2 बार पानी के साथ ले सकते हैं। कफ्तांग रस की 1 गोली दिन में 3 बार कत्था चूना लगे हुए पान के साथ लें। काली मिर्च के 4 दाने घी में भूनकर सुबह दोपहर शाम आप इसका सेवन करें। इसके अलावा काली मिर्च के 4 दाने 1 चम्मच खसखस के दाने और 4 दाने लौंग को गुड़ के साथ मिलाकर गर्म करके 3 हिस्से कर लें। दिन में 1-1 करके 3 बार लें। पीपली काली मिर्च सौंठ और मुलेठी का चूर्ण बना लें। 1/4 चम्मच शहद के साथ दिन में 2 बार आप इसे चाट सकते हैं। 1/4 कटोरी पानी में पान का पत्ता और थोड़ी सी अजवाइन को डालकर उबाल लें। आधा रहने पर पत्ता फेंक दें। पानी में चुटकी भर काला नमक व शहद मिलाकर रख लें और इस पानी को दिन में 2 से 3 बार बच्चों को पिलाएं। विक्स नीलगिरी का तेल यूकेलिप्टस का तेल मेंथा ऑयल में से कोई भी गर्म पानी में डालकर दिन में 2 से 3 बार स्टीम लें। सादे गर्म पानी से भी आप स्टीम ले सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं जुखाम बुखार के साथ अगर खांसी हो तो आयुर्वेद उसका कैसे उपचार करता है। आयुर्वेद में इस प्रकार की खांसी के लिए महालक्ष्मी विलास रस या त्रिभुवन कीर्ति रस की 1-1 गोली 2 बार दी जाती है। संजीवनी वटी की 1 गोली दिन में 2 बार ले सकते हैं। नागबल्लव रस की 1 गोली दिन में 3 बार पान के पत्ते में लपेटकर या 1/2 चम्मच अदरक के रस के साथ दी जाती है। कफकेतु रस की 1 गोली को 1/2 चम्मच अदरक के रस के साथ दिन में 2 बार लें।
लसूढ़े को 20 समेत बिना घी के थोड़ा सा भूनकर उसमें आधा चम्मच सौंठ, 2 लौंग और 1/4 चम्मच दालचीनी मिलाकर पानी में उबाल लें। चीनी डालकर शरबत बना लें और इसे 2-3 बार लें। एक बतासे में 1 काली मिर्च डालकर चबा लें और इस तरह इस क्रिया को दिन में 3-4 बार करें। और अब बात घरघराहट या खड़खड़ाहट वाली खांसी के बारे में। इस प्रकार की खांसी में पसलिया चलती है जिससे छाती से आवाज सी निकलती है। और इस प्रकार की खांसी में आयुर्वेदिक उपचार ये है कि आप ताली सादी चूर्ण 3 ग्राम पानी के साथ दिन में 3 बार लें। वासावले 1/2 चम्मच गर्म पानी से दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। भृंग रस्म और सीतोपलादी चूर्ण का मिक्सचर बना लें और इसका सेवन दिन में 2 बार करें। लक्ष्मी विलास की 1-1 गोली सुबह शाम पानी के साथ लें। चिरौंजी को पीसकर थोड़े से घी में छौंक लें और दूध मिलाकर उबालें और इसमें थोड़ा इलायची पाउडर और शहद भी मिलाकर आप इसे ले सकते हैं। और शुगर के मरीज इसमें शहद ना मिलाएं तो ये उनके लिए अच्छा है। रात को सरसों का तेल गर्म करके छाती पर मलने के बाद रूल या गर्म कपड़ा छाती पर बांध दें। छाती पर गर्म पानी की बोतल भी रख सकते हैं। एलोवेरा का गूदा निकालकर उसे भूनकर 5 काली मिर्च मिला लें और उसकी गोली बना लें। बच्चों को 2-2 गोली सुबह शाम दूध के साथ दें। और अगर रात में इमरजेंसी है, ज्यादा खांसी आ रही है, तो आप गर्म पानी में जुसांदे को डालकर उबाल लें और इसका भाप आप बच्चों को स्वयं दे सकते हैं। पर ध्यान ये रखना है कि ये आयुर्वेदिक दवाएं हैं, इनका लापरवाही से इस्तेमाल ना करें। सभी दवाओं को किसी वैद्य की देखरेख में आपको लेना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं कि खांसी अगर आपको हो रही है तो आपको कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। तो सबसे पहले मूंगफली खाकर ऊपर से पानी ना पिएं। चटपटी और खट्टी चीजें, ठंडा पानी, दही, सॉस, सिरका, अचार, अरवी, भिंडी, राजमा, उड़द की दाल, लेसदार चीजें, खट्टे फल, केला, कोल्ड ड्रिंक, इमली, तली भुनी चीजों को खाने के बाद पानी बिल्कुल ना पिएं। एकदम गर्म खाना या ठंडा पानी ना पिएं। फ्रिज में रखी कोई भी ठंडी चीज जैसे चॉकलेट, दूध, आइसक्रीम से आपको परहेज करना चाहिए। और अब बात खांसी संबंधी कुछ आम प्रश्नों की, जैसे खांसी व अस्थमा में क्या फर्क होता है। दरअसल अस्थमा होने पर छाती से सीटी और सांसा की आवाज आती मालूम पड़ती है और सांस फूल जाता है, जबकि साधारण खांसी गले में खराबी की वजह से भी हो सकती है और इसमें इस तरह की आवाज नहीं आती। और दूसरा प्रश्न, खांसी निमोनिया से हुई है या वायरल से हुई है, इसे कैसे पहचाने। वायरल से होने वाली खांसी आम होती है, पर निमोनिया से होने वाली खांसी में एक्सरे कराने पर निमोनिया का पैच दिखाई देता है और ब्लड टेस्ट कराने पर भी निमोनिया के लक्षण आ जाते हैं। इसलिए अगर टेस्ट में आपको लक्षण निमोनिया के नहीं आ रहे हैं तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। और अब बात पफ व नेबुलाइजर की कब जरूरत पड़ती है। अगर आपको सांस लेने पर सीटी की आवाज आए और आप घर में हो तो नेबुलाइजर की मदद लें। अगर घर से बाहर हो तो जेब में रखे जाने वाला पफ या इनहेलर लें। जरूरत के अनुसार दिन में 2 बार लिया जा सकता है या डॉक्टर की सलाह के बाद आप इसका यूज करें। और अगला प्रश्न है कि बलगम में खून आए तो आपको क्या करना चाहिए। खांसी में खून आए तो घबराना नहीं चाहिए। कई बार जोर से खांसने पर भी खून आ जाता है। खून आने पर देखना चाहिए कि उसका रंग लाल है या काला। ऐसे में खून की जांच और छाती का एक्सरे व सीटी स्कैन करवाना चाहिए। बार बार खून आए तो टेस्ट जरूर करा लें। टीबी और लंग कैंसर की वजह से भी खून आ सकता है। टीबी की जांच के लिए ESR, बैक्टीरिया के लिए TLC और वायरस के लिए DLC की जांच की जाती है। और अब अगला प्रश्न कि डॉक्टर के पास कब जाएं। अगर आपको खांसी 1 हफ्ते से ज्यादा आ रही है और बार बार आपके बलगम के साथ खून आ रहा है तो आपको घरेलू इलाज के भरोसे ज्यादा नहीं रहना चाहिए, आपको डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। घरेलू इलाज का सिर्फ औचित्य ये होता है कि ऐसी बीमारियां जिनमें आपके जीवन पर कोई संकट ना हो उसका शुरू में आप घरेलू इलाज करें। 2-3 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते तक अगर घरेलू इलाज से आपको कोई राहत नहीं मिलती है तो आपको तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। सिर्फ घरेलू इलाज के भरोसे अगर बैठे रहे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो यह था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि खांसी को समझने और इससे निपटने में हमारा यह 2 पार्ट का प्रयास आपको अच्छा लगेगा। और अगर इस विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।